आली जनाब सभापति साहब, दूसरा दिनों जो है तो सिटी चौक से शाहगंज इलाके के अंदर हाथ गाड़ियों पर और चमन के पास की कुछ दुकानों पर कार्रवाई की गई मालमत्ता और अतिक्रमण की जानिब से अपने, और चार दिन पहले साहब महापुर साहब के पास भी एक मीटिंग हुई कि रमजान के अंदर स्थानीय नगर सेवक का एक ऑब्जेक्शन आया उसके ऊपर, उन्होंने स्पष्ट कहा कि रमजान में सिटी चौक से शाहगंज तक हम हाथ गाड़ियां नहीं लगाने देंगे। तो साहब अपने पास मुंबई महानगर पालिका एक्ट में इसकी नियम में तरतूद है कि दिवाली हो, दशहरा हो, रिपब्लिकन डे हो, रमजान हो, उसमें खुसूसी जो है तो हाथ गाड़ी वालों को परमिशन दी जा सकती होगी। और साहब रही बात ये स्थानीय नगर सेवक 3 साल से आने के पहले कभी ये मसला नहीं हुआ साहब, इनकी जहनीत गंदी हो चुकी है और जो है तो 3 साल पहले से 50 साल से साहब ये गाड़ियां लग रहे हैं, एक मीना बाजार लगता वहां पे सिटी चौक से तो अपने शाहगंज तक, अब कभी प्रॉब्लम नहीं आया साहब, अब अचानक 3 साल से ये प्रॉब्लम शुरू हो गए, हर साल मसला क्रिएट कर रहे, शहर का लॉ एंड ऑर्डर खराब करने की कोशिश की जा रही। और साहब सुप्रीम कोर्ट के सर्वोच्च न्यायालय के आदेश है, इसमें हाई कोर्ट के आदेश की कॉपी है मेरे पास, टोटल इसमें नियम की सब हर चीज अवेलेबल है। तो साहब कानून का पासो लिहाज रखा जाए और गरीब लोगों को रमजान के अंदर कारोबार करने की इजाजत दी जाए, और साहब इसमें रोकने की कोई गुंजाइश नहीं है, आप इसके ऊपर रूलिंग कीजिए साहब अभी। सन्माननीय सदस्य सभापती जी, याच्यावर काल सन्माननीय महापौर साहेबांनी डेलिगेशन सर्व झालं होतं, त्यापूर्वी सुद्धा सन्माननीय प्रतिनिधी जयस्वाल यांच्या नेतृत्वाखाली व्यापारी दस्तावर डेलिगेशन झालं होतं, त्याची पाहणी करून योग्य अशा ठिकाणी योग्य तो एक आवाज सादर करण्यासाठी सांगितलं प्रशासनात मान्य महापौर साहेबांनी की तुम्ही त्याची मांडणी करा की 5-5 गाड्यानंतर कसं आपल्याला जागा सोडता येईल, त्यांना सुद्धा व्यापार करता येईल आणि आपण सुद्धा करता येईल, त्याची पाहणी करून रमजानमध्ये ज्या प्रकारे प्रत्येक वर्षी त्याच प्रकारे दिली जाणार, जे जे त्यामध्ये सर्व प्रकार दिवाळी असेल दसरा असेल ते देताना व्यापाऱ्यांच्या आणि त्यांच्या संबंध घडवण्यासाठी ज्यापरी त्यांनी दिलेली आहे त्यामध्ये काम होईल, त्यामुळे हे पण सभागृह यासाठी प्रशासन सूचित करतं की याची पाणी करून देऊ या ठिकाणी त्यांना जेव्हा जागा देण्यात आली आणि उनकी पार्किंग कभी पूछेगी आपने, पार्किंग है क्या व्यापारियों की, अगर बोलने की बात है तो सर दोनों रूप देखा जाए, हमारा 1 महीने का 30 दिन का मसला है वो, अब इतना बर्दाश्त नहीं हो रहा, व्यापारियों को कोई मसला नहीं है, स्थानीय नगर सेवक की जो है तो जहनीत जाती बात है। अरे आरोप क्या, 3 साल पहले आप भी सीनियर कॉर्पोरेटर है, इससे पहले यहाँ पे 3 साल पहले ये मसाइल पैदा हुए क्या, आपको बोला था 3 साल पहले से कोई मसले पैदा हुए क्या कभी, रमजान का मसला कितने साल चल रहा है, फक्त समन्वय घडवून व्यापाऱ्यांचा आणि जे धागण चालतात ते समजून क्या बोलला रमजान में वहा गाड्या लगेगी बोलला आपका बोला त्याच्यावर चर्चा करून व्यापारी त्याच्यामध्ये कमिटी जे त्यांच्या पोलीस डिपार्टमेंटला बनवू घ्या, त्यांच्या एजन्सी बनवू घ्या, एक सुशूलपणे म्हणजे चांगल्या प्रकारे ते पाहतात गाड्यानंतर रस्ता असेल म्हणजे गरजेचं असेल त्याची नसायला पाहिजे, तर आपण चालवतो 3-4 गाड्या एकाच वेळेस लागतात त्या दिवसात कोणा पाहिजे योग्य अशा ठिकाणी उन्होंने 40 लाख रुपए पिछले साल भरे 2017 से उनके पास परमिशन है साहब, तो कौन से हिसाब से कार्रवाई करे, न्यायपालिका के आदेश बता रहे तो पहले हम नहीं मानते, ये कोर्ट से बड़े हो गए लोग, उनसे खुलासा नहीं हो सकते, उनसे हिसाब से कार्रवाई करो उन्होंने जाके सभापती साहेब मला सुद्धा आले कर्णपत्राचं उत्तर आलेले राज पाटील साहेबांनी ने एक मिनिट बाद मुकम्मल होतो मालमत्ता दिले शागनच्या मनला ज्या टपऱ्या आहेत सर त्या टपऱ्यावर कारवाई करण्यासाठी आम्ही सूचना देण्यासाठी बोलत होतो तिथं किंवा तुमची परवानगी नाही आहे तिथं
माननीय उच्च न्यायालयाने 2000 मध्ये एक आदेश दिलेले 9 मीटर ते 45 मीटर रस्त्यावरील सर्व टपऱ्या हटवण्यात याव्या. 9 मीटर आहे का? 9 मीटर आहे. टाउन प्लॅनिंग मार्किंग करून तुम्हाला कमी करायचं आहे. मार्किंग टाउन प्लॅनिंग से आपने अभिप्राय लिए क्या उसका? आपने पूछे क्या? वो 9 मीटर तो है भी नहीं हो. 9 मीटर ते 45 मीटर बाबतचा हायकोर्टाचा आदेश आहे. उसकी दक्षता लेना था पहले जाके धड़ल्ले से कार्रवाई कर दे. ठीक है, न्यायपालिका के आदेश की बात कर लेना. सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर है साहब, हाथ खड़े होने के ताल्लुक से सर माननीय कोर्टाचा जो आदेश त्याची माहिती आपण विधी सल्लागाराकडून घ्या. त्याबरोबर टीपीसी बरोबर चर्चा करून योग्य प्रकारे त्वरित काळजी घेऊन कुठल्या प्रकारचा कोणता अवमान होणार नाही याची दखल घ्या. ठीक आहे. आता सन्मान्य सभापती मालमत्तेचे विषय आहे. आप विवेकानंद कॉलेज के ताल्लुक से हमने एक लेटर दिया था तो इन्होंने उसका जवाब में ये दिए मेरे को, मैंने परवानगी कब से कब तक है, उसका करार हो हुआ है कि नहीं, क्वेश्चन क्या था. तो इनका बोलना है कि उसकी परवानगी नहीं है. परवानगी नहीं है, मैटर न्यायपालिका में. बगैर परवानगी के मैटर न्यायपालिका में गया कैसा? गोलमोल जवाब दिए था, मेरे पास उत्तर है उसका. तो इसका खुलासा करो ना, मेरे पास कुछ सवाल आता है जवाब होना मेरे. विवेकानंद कॉलेज का माननीय सभापति, माननीय सभा, विवेकानंद कॉलेज संदर्भात सन्माननीय सदस्य मतीने पत्र दिलं होतं, त्यांना खुलासा सादर करण्यात आले. ठीक आहे ना. पहिले क्वेश्चन क्या होता? पहिले कसं विवेकानंद कॉलेज को कितनी जगह दी गई उसका भी जवाब नहीं दिए. मैंने सवाल करा था. और तीसरा था, कितने साल से जगह इस्तेमाल की जा रही है और कौन सी बुनियाद पर कोर्ट में गया सामने वाला गया हुआ है. मराठा शिक्षण जो है संस्था उसको ये जगह दी गई तो कब दिए, क्या दिए, कितनी दिए वो मालूम नहीं. एक तरफ बोले करार नहीं हुआ है, एक तरफ बोल रहे मैटर जो है तो कोर्ट में. जब करार नहीं हुआ तो मैटर कोर्ट में कैसे गया? हाँ ठीक है. और उसमें क्या प्ले ग्राउंड की वास्ते दिए, क्योंकि कॉलेज कैसे चल रहा है वहाँ पे, ये भी एक जवाब है उसके अंदर. माननीय सभापति साहब, याच्यामध्ये मला असं वाटतं हा फक्त विवेकानंद कॉलेजचा विषय नाही राहता, पूर्ण शहरामध्ये ज्या प्रकारे प्रश्न उपस्थित केला आपल्याला आदेश करायचे की तिन्ही विभाग आपण योग्य ती माहिती घ्या, त्यांना ती माहिती द्या. जेव्हा दिलेली एक व्यवहाराची मुद्दा संपणार आहे, त्याचबरोबर मालमत्तेचे